यकीनन आप और हम सब ये सोच रहे थे भाई सेमीफाइनल है, पहला सेमीफाइनल है, साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जिस तरह की रही थी कोई बड़ा ही टाकने का मुकाबला होगा। We were all excited. हाँ लेकिन तो मुख्तसर तरीन सेमीफाइनल था, पहले तो इस पर रिमार्क दीजिएगा। नींद भी खराब हुई होगी नसीब। अपने पांव जमीन पर रखें, किसी एक बड़ी टीम को हराने के बाद शोर न मचाएं, गुरूर न दिखाएं, अपने पांव जमीन पर। तो ये टीम पता नहीं कैसे सेमीफाइनल में पहुंच गई। नहीं पता नहीं कैसे तो सिकंदर पहुंच ही गई अब तो। मतलब हम देख ही रहे थे वो डर के ऐसे खेल रहे थे, ऐसे ऐसे करके वो बोल्ड हुए जा रहे थे, इतना डर गए थे वो अफगानी। मैं तो हैरान हूँ अफगानिस्तान के लोग डर गए। अफगानिस्तान वालों को तो चाहिए उनके कप्तान पे पाबंदी लगा दें कि आपने हरकत क्या की। मैं तो बस क्या ही बोलूं, टूट से गए हैं हम लोग, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी टीम को हर हाल में सपोर्ट करेंगे। हमारी जर्नी यहीं तक थी, हमारी जर्नी खत्म भाइयों, अब आपको करना है, आपको आगे जाना है, आपको जीतना है, हमने आपका यहीं तक साथ दिया, इससे आगे हमसे नहीं हुआ। जहां तक हमसे हो रहा था हम लोगों ने आपका साथ दिया, अब इससे आगे हिंदुस्तानियों तुम लोगों की बारी है, अकेले हो और मुझे यकीन है कि अकेला ही इन सब पे भारी पड़ोगे। 10%, 1%, 5% भी लोग पाकिस्तान के अगर इस बात पे खुश हैं कि अफगानिस्तान की टीम शुक्र अब सेमीफाइनल से हार गई है, आगे नहीं बढ़ी, इनका गुरूर हुआ, तो मुझे अफसोस होगा उस खुशी पे। आम क्रिकेट फैन ये समझते हैं कि अफगानिस्तान टीम के जो क्रिकेटर्स हैं या अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो इंडिया के साथ ज्यादा एसोसिएट है, हमारे साथ कम है, जबकि हमारे साथ इनकी रिलेशन ज्यादा होनी चाहिए। ठीक किया उन्होंने, वैसे शुक्रिया अदा करना चाहिए, अगर इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है तो करना चाहिए, वो आज कर रहा है, कल भी किसी ने सपोर्ट किया था वो उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। बेस जहां से बेस शुरू हुई थी, जहां से काम शुरू हुआ था वो भूल गए। दोस्तों नमस्कार, अफगानिस्तान की सेमीफाइनल में हार पर पाकिस्तान के लोगों का असली चेहरा सामने आ गया है। वो लोग खुशियां बना रहे हैं कि अफगानिस्तान की टीम बाहर हो गई हार के बुरी तरह। पाकिस्तान के लोग कल से ही दुआ कर रहे थे कि ये टीम हार जाए और बाहर हो जाए वर्ल्ड कप, क्योंकि उनसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि जिस टीम को पाकिस्तान के प्लेयर से कोचिंग दी थी स्टार्टिंग में, वो टीम आगे पहुंच गई और हम बाहर हो गए सुपर 8 से। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के लोग वहां के लोगों से बहुत ज्यादा छिड़ते हैं, नमक हराम बोलते हैं, अफगानी तो इनकी शक्लें देखना पसंद भी नहीं करते, इन दोनों देशों की आपस में बिल्कुल बनती नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के लोग दिल से चाह रहे थे कि ये बाहर हो जाए और ये बाहर हो गई। आज के पिच बैटिंग के लिए बिल्कुल खराब थी, यहाँ बैटिंग करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था और इन्होंने पहले बैटिंग ले ली टॉस जीतकर, जो कि सबसे बड़ी गलती की आज राशिद खान ने, इसी कारण ये लोग 56 रन पर आउट हो गए और मैच हार गए पूरी तरह। लेकिन पाकिस्तान के लोगों के लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है कि ये टीम बाहर होगी वर्ल्ड कप से, और 3 घंटे बाद हमारा मैच भी है और ये पूरी बद्दुआ कर रहे हैं कि इंडिया भी हार जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इंडिया की टीम 2022 का बदला जरूर लेगी, जिसमें इन्होंने हमको 10 विकेट हराया, क्योंकि ये पिच अलग है बिल्कुल, यहाँ पे हमारी स्पिन बॉलिंग बहुत काम आएगी। खुद तो ये लोग बाहर हो गए हैं लेकिन दूसरों के लिए बद्दुआ कर रहे हैं कि वो हार जाए ये हार जाए, क्योंकि इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिस तरह आउट किया अफगानिस्तान को तो लगता है अफगानिस्तान तो मतलब कुछ भी नहीं थी उनके सामने। They choked today. उमा मेरे ख्याल से आईसीसी को जो है अपोलॉजी करनी चाहिए कि सेमीफाइनल के लिए इस किस्म की पिच बनाई। अगर ये पिच पाकिस्तान में बनी होती, श्रीलंका में, इंडिया की नहीं, इंडिया में होती तो कुछ भी नहीं होता, पाकिस्तान में बनी होती, श्रीलंका में या इस खत्ते में कहीं बनी होती ना, वो इस ग्राउंड पे पाबंदी लगा देती। इतनी खराब पिच थी और मैं हैरान हूँ इस बात पर। मैं तो कहता हूँ कि अफगानिस्तान की अकल की मैं दाद देता हूँ, यानी कि इस पिच के ऊपर तो सबसे पहली फतह होती है आप टॉस जीत जाते, और राशिद खान ने पहले बैटिंग कर ली। मैं हैरान हूं इस बात पे, उनके जितने कोचेस हैं, उनके जितने लोग हैं, उनके पास 40-40 साल की उम्र के लड़के खेल रहे हैं, नबी वगैरह 40 साल की उम्र के, जो उनकी ऑन द पेपर 40 है, वे सोच ले उनकी उम्र क्या होगी, उन किसी ने उनको नहीं एडवाइस किया। वो ग्राउंड मतलब जो पिच रिपोर्ट आ रही थी वो बता रहे थे कि इसमें तो मतलब बाकायदा साफ लग रहा था कि ये गेंद ऊपर नीचे होगा। तो भाई अकलमंद लोग, अफगानिस्तान की टीम, भाई क्या हो गया आप लोगों को, मतलब एक एक मैं हैरान हूँ। टॉस तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप टॉस जीते हैं आता मैच जीत जाते हैं और आपने बैटिंग कर ली, हर कोई हैरान था, मैं हैरान हो गया कि मैंने कहा बैटिंग कैसे कर ली इन्होंने, और उन्होंने बैटिंग करके वो पता लगा 23 कितने थे इनके, कोई 24-25 रन थे, 28 पे 6 हो गए, 28 रन पे 6 आउट हो गए। आप सोचे मैं पहली गेंद से मैच देख रहा था, मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा ये अगलों ने भी तो सिर्फ एक विकेट के नुकसान पे सारा रन बना लिए। देखिए मैं आपको बताऊं, कल मैंने जो प्रोग्राम किया था, अगर आप उठा के ट्विटर पे देखें या जियो के उस वेबसाइट पे जाके देखें, मैंने उनको कहा कि जी ये जो टीम पहुंची है सेमीफाइनल अफगानिस्तान की, वो उन पिचों के वजह से, अपनी बॉलिंग वगैरह की वजह से पहुंच गई। उनके बैटिंग लाइनअप पे सिर्फ 2 लड़के जो ओपनर्स थे उन्होंने 200-200 रन के, बाकी किसी ने कोई रन ही नहीं किए हुए। मैं तो कल प्रोग्राम में बोला, मैंने कहा अगर ये ऊपर वाले 2 आउट हो गए तो फिर नीचे रन कौन करेगा। एक लड़का उमर था कोई, उस उमर जही, उसने 100 रन किए थे, बाकी सब ने किसी ने 50 रन नहीं किए थे, 50। तो ये टीम पता नहीं कैसे सेमीफाइनल में पहुंच गई। नहीं पता नहीं कैसे तो सिकंदर पहुंच ही गई अब तो, मतलब हम देख ही रहे थे। मैं क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि वहाँ की पिचेस जो थी, मैं
बार बार आप लोगों को प्रोग्राम में भी कहता था इस पिच के अंदर से बीच के अंदर गेंदे करनी है, गेंद खुद बखुद हो रहा है, नीचे रह रहा है, ऊपर रह रहा है, उस वजह से उनकी बॉलिंग तगड़ी थी, वो पहुंच गए। मगर आज उन्होंने बैटिंग क्यों की ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अफगानिस्तान वालों को तो चाहिए उनके कप्तान पे पाबंदी लगा दें कि आपने हरकत क्या की, यानी इस पिच के ऊपर टॉस जीतकर आप बैटिंग कर रहे हैं। वैसे तो अगर टॉस जीत कर फील्डिंग भी करते तो शायद इसका मुख्तलिफ नतीजा ना निकलता, बिकॉज़ साउथ अफ्रीका की बॉलिंग आपने देखी थी। देखो बाद में जाकर बेहतर भी हो गई, बाद में बेहतर हो गई थी, बट साउथ अफ्रीका आल्सो डिड एक्सेप्शनल बॉलिंग टुडे एज वेल। आपने कहा चले पिच भी साथ दे रही थी, बॉलिंग भी उन्होंने अच्छी की है। यार आपने तो देखी नहीं ना अब्दुल्ला, आपने तो देखा नहीं, सर के ऊपर से जा रहा है, सर के ऊपर से यहाँ से जा रहा है, भाई ऐसी थोड़ी पिच होती है। वो लड़के आप यकीन करें, आप उठा के देख लें, कोई क्रिकेटर मेरे साथ बैठ जाए मैं उसको एक्सप्लेन करूं, टेक्निक डर के मारे नीचे खड़े हुए थे। देखें जब क्रिकेट होती है गेंद आती है तो आप गेंद के ऊपर जाते, वो डर के ऐसे खेल रहे थे, ऐसे ऐसे करके वो बोल्ड हुए जा रहे थे, इतना डर गए थे वो अफगानी। मैं तो हैरान हूँ अफगानिस्तान के लोग डर गए। अच्छा जी, आज के सेमीफाइनल में इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, हु डू यू थिंक इज अ स्ट्रॉन्गर टीम? ओ बहुत मुश्किल सवाल है। इंडिया को मैं इसलिए थोड़ा सा फेवर दूंगा कि उनकी जो कंडीशंस हैं, जो जो वहां के ग्राउंड की वो सूट करती है इंडियंस को। पाकिस्तानी खैर पाकिस्तानियों की तो बात ही छोड़ दें, उन्होंने तो शर्मिंदा ही कर दिया सबको, तो इंडिया को सूट करती है वो स्लो ट्रैक्स, जिस तरह की बॉलिंग होती है उनके पास, स्पिनर्स तगड़े हैं। और आपको लगता है कि सिकंदर लास्टली क्योंकि वक्त कम है, साउथ अफ्रीका इज इनटू द फाइनल्स नाउ, दे स्टैंड अ चांस दिस टाइम अराउंड, चाहे इंडिया आए चाहे इंग्लैंड आए, कोई भी आए, साउथ अफ्रीका इतनी साउंड लग रही है आपको? कुछ बहुत ही एक्साइटिंग किस्म के क्रिकेटर्स हैं जो अभी तक इतने अच्छी तरह चले नहीं, डिकॉक है, मार्क्रम है, उनके पास मिलर है, बहुत जबरदस्त खेलने वाले लड़के हैं, तो फाइनल मुझे लगता है कि बहुत ही जबरदस्त होगा जो भी पहुंचता है। मेरा लगता है कि चांसेस इंडिया के हैं बिकॉज ऑफ द पिच प्लेइंग कंडीशंस जो चल रही है, उससे मुझे इंडिया का चांस लग रहा है। और मगर इंग्लैंड इज अ ट्रू प्रोफेशनल साइड, वो लड़ेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है आज फिर शाम को, उसका भी मजा आएगा। यकीनन आप और हम सब ये सोच रहे थे भाई सेमीफाइनल है, पहला सेमीफाइनल है, साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जिस तरह की रही थी कोई बड़ा ही टाकरे का मुकाबला होगा। We were all excited. मुख्तसर तरीन सेमीफाइनल था, पहले तो इस पर रिमार्क्स दीजिएगा। नींद भी खराब हुई होगी नजीब की। जी बिल्कुल, पूरी रात सोते जागते गुजरी है मैच की वजह से, और इतना एंटीसिपेशन था, इतनी एक्साइटमेंट थी, वो सब खत्म हो गई बिकॉज जैसे कि आप लोगों ने शुरू में ही कहा इट वॉज वन साइडेड अफेयर। शायद साहब सेमीफाइनल था, लग रहा था सेमीफाइनल है ये। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो अपने सर फखर से बुलंद करके कह सकते हैं कि हम एशिया की दूसरी बेहतरीन टीम है। लेकिन साथ ही साथ एक एडवाइस भी है, अल्लाह करे उन तक पहुंच जाए हमारे प्रोग्राम की बात। उर्दू तो वो समझते हैं, जाहिर ये करते हैं कि हम उर्दू नहीं समझते ना बोलते हैं, लेकिन उर्दू उन सबको समझ में आती है। अपने पांव जमीन पर रखें, किसी एक बड़ी टीम को हराने के बाद शोर ना मचाएं, गुरूर ना दिखाएं, अपने पांव जमीन पर। जो सेकंड अब सेमीफाइनल है, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है उसमें? मेरी फेवरेट टीम तो बारिश है, अगर बारिश ना हुई तो शायद ये मैच हो जाए। पूरी कोशिश करेगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उन्होंने दोनों सेमीफाइनल्स के लिए 250 मिनट एक्स्ट्रा जो रखे हैं उसमें कोशिश करेंगे कि किसी तरह ये मैच पूरा हो जाए। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8:30 बजे शुरू होगा, लेकिन अगर 11:45 तक भी 10-10 ओवर का मैच शुरू हो गया तो शायद मैच हो जाए। लेकिन अगर 11:45 से 10 ओवर का मैच शुरू हुआ और वो 2 ओवर के बाद बारिश की नजर हो गया तो वो नो रिजल्ट हो जाएगा, और नो रिजल्ट का मतलब है कि इंडिया फाइनल में चला जाएगा, इसलिए सुपर 8 में वो टॉप पोजीशन में। अच्छा जी, तो ये भी कहानी है, कहानियों पर कहानियां। लेकिन बहरहाल टीम अफगानिस्तान के लिए आप कुछ कहना चाहें? आप जाहिर है आप ये देखें कि जो काम पाकिस्तान नहीं कर पाया, वेस्ट इंडीज़ नहीं कर पाया, फिर न्यूजीलैंड आप ये और ऑस्ट्रेलिया, वो काम उन्होंने किया कि दे आर प्लेइंग, दे प्लेड द सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप T20, तो इट्सेल्फ ये बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए जी।